बड़ी सौगात मिल रही एम्स के तौर पर। आज 5 एम्स का उद्घाटन करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश को 5 एम्स की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से भी एक एम्स मिल रहा है रायबरेली में, जिसे लेकर के वहां पर तैयारियां पहले से की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री की वहां पर मौजूदगी है। वर्चुअली तमाम एम्स का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाई तरफ तस्वीरें देखिए, और वर्चुअली यहां पर तमाम लोग रायबरेली से जुड़े हैं। राइट साइड में दाहिने तरफ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कैबिनेट के कई सहयोगी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, और यहां पर देश को सौगात मिल रही है 5 एम्स की। रायबरेली की बात करें तो 100 एमबीबीएस सीट के आवंटन वाला ये एम्स, रायबरेली एम्स में 17 विभाग है। रायबरेली एम्स में अभी 710 बेड की व्यवस्था है, क्रिटिकल यूनिट भी यहां पर है, एनआईसीयू और एमआरयू से लैस भी इमरजेंसी सेवाएं यहां पर शुरू हो चुकी है। जनवरी से 9 ऑपरेशन थिएटर शुरू हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अभिनंदन किया जा रहा है, उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। बाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को वो देख रहे हैं वर्चुअली। तो रायबरेली को भी बड़ी सौगात मिल रही है केंद्र की तरफ से, यहाँ पर एम्स की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को भी एम्स की सौगात आज मिल रही है। रायबरेली में एम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन भी हो रहा है। तो एक साथ देश को 5 एम्स की सौगात मिल रही है। वर्चुअली पीएम कर रहे हैं लोकार्पण एम्स का, इसकी तस्वीरें हम आपको दाहिनी तरफ दिखा रहे हैं। गुजरात से जुड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाईं तरफ आप देख सकते हैं रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्स का लोकार्पण हो रहा है। रायबरेली को बड़ी सौगात एक तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एम्स के तौर पर मिल रही है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल संबोधित करते हुए लोगों को, और बाईं तरफ आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। रायबरेली को बड़ी सौगात दरअसल मिली है, इस तौर पर देखें तो एम्स के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को सौगात मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स के सौगात देने के दौरान क्या कहते हैं, किस तरह का संबोधन होता है उनका, वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली की तस्वीरें देखिए, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसद के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मौजूद हैं।